नॉमिनेशन के बाद आप पहली बार पब्लिक गैदरिंग में पार्टिसिपेट किया है, क्या मैसेज देंगे पब्लिक के लिए? मेरा मैसेज एक ही है कि वायलेंस मत करो, थमछा करो, पॉजिटिव पॉलिटिक्स करो। डेमोक्रेसी में कभी कभी 100% अलायंस नहीं होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग एक दूसरे से झगड़े लड़े, और अगर हमने एक आवाज़ में एक ही इशू, क्योंकि आज सब पॉलिटिकल पार्टीज एक ही इशू बोल रहे हैं, अगर ये एक आवाज़ में एक प्लेटफॉर्म में हमने दिल्ली में बात किया, ना कि अगरतला में, तो समस्या का हल निकल सकता है। लेकिन अगर हम लोग एक दूसरे से लड़ेंगे तो बाहर के लोग हमको देखकर हंसेंगे। मैं नहीं चाहता हूँ। आज भी मेरा बहुत प्यार है टुवर्ड्स एनसी बाबू, टुवर्ड्स मेवार, और अगर हमने वातावरण अच्छा रखा तो हम हमेशा एक संग बात कर सकते हैं, फ्यूचर में भी काम कर सकते हैं। लेकिन अगर वायलेंस रहा, किसी का बाइक तोड़ा गया, किसी को पीटा गया, तो इससे क्या होता है कि पहले लोग है कि बाहर के लोग हमारे ऊपर हंसते हैं, और उसके बाद ये सिविल वॉर नहीं है, 5 साल में इलेक्शन होता है, लेकिन दोफा को डिवाइड करना ठीक चीज़ नहीं होगा। आपका कॉन्टेस्ट किस दल से होगा? मेरा कॉन्टेस्ट उसी के संग होगा जो तिप्रासा के इंटरेस्ट के खिलाफ, दल के साथ नहीं, एक सोच के संग है। जो सोच हम लोग को अपना अधिकार नहीं देता उसके अगेंस्ट मेरा फाइट है, क्योंकि मुझे वोट करने के लिए सब पार्टी से आएंगे, क्योंकि मेरा सोच ठीक है। और पार्टी खराब नहीं होता, लेकिन पार्टी में बहुत लोग होते हैं जो कंट्रोल दूसरों को करते हैं, मैं उसके बारे बोल रहा हूँ। आप आज आपका स्पीच में पतल कन्या के बाद भी बोल रहे थे, आपके संग है आज के? पतल कन्या मेरे संग है, और पतल कन्या से मेरा बात हुआ है। मैंने हमेशा कहा है कि पतल का आइडियोलॉजी को मैं सपोर्ट करता हूँ, अगर कुछ डिफरेंसेस है तो हम बैठकर हमने बात किया और अब सब ठीक है। लेकिन बात यह है कि पतल ने भी सैक्रिफाइस किया है, मैंने भी सैक्रिफाइस किया है, विजय रंखोल ने भी सैक्रिफाइस किया है, और मैं ये नहीं बोलता हूँ कि IPFT के लोगों ने पहले सैक्रिफाइस नहीं किया। प्रॉब्लम है कि राजनीति में बहुत लोग पहले पार्टी इंटरेस्ट आगे रखते हैं, पॉलिटिकल इंटरेस्ट, पीपल के इंटरेस्ट बाद में रखते हैं। मैं पीपल के इंटरेस्ट सामने रखना चाहता हूँ, क्योंकि इस बार अगर हम लोग एक नहीं हुए तो 2026 में डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद आपके पास 50 पार्टी हो या 10 पार्टी हो, अगर आदमी नहीं रहेंगे त्रिपुरा में वोट करने के लिए, त्रिपुरा से लोग ही नहीं रहेंगे डिलिमिटेशन के बाद 2026 में, तो पार्टी रख के क्या करेंगे? ये त्रिपुरा पार्टी एक लक्ष्य से बना है, ग्रेटर त्रिपुरा लैंड को अचीव करने के लिए। मुझे 40 साल राजनीति नहीं करना है, मुझे अपने लोगों के लिए मेरे ज़िंदगी में कुछ अचीव करना है। जिस दिन वो अचीवमेंट हो गया, मैं अपने रास्ते में चलूँगा। मैं यहाँ में पैसा कमाने के लिए नहीं आया हूँ, अपने लोगों को कुछ देने के लिए आया हूँ। IPFT भी त्रिपुरा लैंड मांगता है, आपका ग्रेटर त्रिपुरा लैंड, आपने जो सीट मांगा था मैक्सिमम सीट देने का तैयार था, तब भी अलायंस क्यों नहीं हुआ? ये मैक्सिमम त्रिपुरा शादी जानने का इच्छुक है, क्या बोलेंगे? जैसे मैंने कहा कि एक तरफ BJP से बात, एक तरफ मुझसे बात, वो ठीक नहीं रहता है। और मैंने ये भी कहा था कि हम विजय रंखोल को भी संग लेके आए, पाताल कन्या को भी संग लेके आए। अलायंसेस, आधा अलायंसेस नहीं होता, फुल अलायंस होना चाहिए। हमारे संग फुल अंडरस्टैंडिंग था कि कोई नेशनल पार्टी के संग अलायंस नहीं होगा। बात हो गया, आज IPFT ने मुझे 5 सीट ऑफर किया था, BJP को 12 सीट ऑफर कर दिया, तो ये बात पूरा पक्का हो जाता है कि वो किसको प्रेफर करते हैं। पास के बाद भी मैक्सिमम सीट आपके साथ बातचीत हो रहा है, कितना कितना आप बताइए? लगभग 8 महीने तक बातचीत होते थे, 12 या 8 नहीं ना, ये तो सुना था ना। आप तो जानते सबको, आप पूछ लीजिए कितना सीट ऑफर किया गया था। और ये बात सीट का नहीं है, सिर्फ BJP से भी पीछे से बात करें, जब हमसे अलायंस हुआ है तो वो ठीक मैसेज नहीं जा रहा था। लेकिन जो भी हो, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि NC देव वर्मा मेवार को मैं आज भी बहुत प्यार करता हूँ, और एक दिन आएगा जब ये नेशनल पार्टी IPFT को धोखा देगा, और जिस दिन वो धोखा देगा वो बागरा तभी भी रहेगा उनके साथ, क्योंकि तिप्रासा लोग का संग तिप्रासा को रहना चाहिए। मैं उनके अगेंस्ट कुछ नहीं बोलूँगा इस इलेक्शन में, मैं एक शब्द नहीं बोलूँगा, और मैं सबको अनुरोध करता हूँ कि ये इलेक्शन पॉजिटिवली जाओ, किसी के अगेंस्ट नहीं बोलो, क्योंकि एक दिन मेवार, NC, विजय बाबू, पाताल कन्या, हम सबको बैठकर एक संग चाय पीना पड़ेगा, और तिप्रासा का इंटरेस्ट सामने रखना पड़ेगा, ना कि खुद का। 28 सीट में कितना सीट जीतने का एक्सपेक्ट करता है? ये पब्लिक बोलेगा, मैं तो नहीं बोलूँगा कि 15, 17, 20, 22, ये मैं झूठ बोलने का आदत भी नहीं है। लेकिन जहाँ तक मुझे खबर आ रहा है, हम लोग का जो थानचा का अलायंस है कंफर्टेबली मेजॉरिटी में है।